हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, मैं आज आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, जो लोग एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएसबी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट बुक कौन सी है एसएसबी की, वो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैं एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे यूपीएससी सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एयरफोर्स नवल एकेडमी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एसएसबी के लिए बुक्स मंगाई हुई है, बहुत ही बेस्ट बुक है। और जो हम देखते हैं, जो शुरू में आपके टेस्ट होते हैं हमारे एसएसबी में, अगर हम जाते हैं पीपीटी और डीटी, तो मतलब बहुत ही बेस्ट बुक है। आपको बिल्कुल क्लियर जो आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए एसएसबी का, स्टार्टिंग से लेके डे वन से लेके डे फाइव तक का पूरा रूटीन, पूरा शेड्यूल इस बुक में दिया हुआ है। तो कौन सी है गाइज वो बुक, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज, ये रही वो बुक, आप देख लीजिए। यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू पूरा प्रोसेस है, और इसके जो राइटर हैं वो है हमारे डॉक्टर एन के नटराजन सीडीआर हैं, जो कि, और ये कंप्लीट गाइड है। अगर हम पब्लिशन की बात करें तो ये पब्लिशन है जायको बुक्स, जायको पब्लिशन है। और गाइस, कोई ज़्यादा महंगी बुक्स नहीं है, सिर्फ 185 रुपये की बुक्स है। अब आप सोचिए, 185 रुपये की बुक्स में आप पूरा मतलब आपको सजेस्ट कर रहे हैं हर चीज़। अब देखिए, मैं आपको आपको बिल्कुल शुरू से बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम इस बुक को ओपन करते हैं तो इंट्रोडक्शन फॉर एसएसबी आता है। सेकंड, आप देखते हैं एसएसबी, जब तक हमें एसएसबी के बारे में नहीं पता होगा तब तक हमें उसकी तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देन उसके बाद जिस चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसबी में, लाइक आपने ओटीए का एग्ज़ाम दिया और आप ओटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ओटीए के बारे में जानना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एसएसबी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आप किस बेस पर एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए, तो गाइस बुक तो बहुत ही बेस्ट है, मैं आपको सजेस्ट कर दूँ। और देखिए, सब कुछ इसमें सिंपल, डे वन से डे फाइव तक का पूरा रूटीन दिया हुआ है। ये देखिए, ऑलरेडी आपके स्क्रीन टेस्ट है, साइकोलॉजी टेस्ट है, ग्रुप टेस्टिंग, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर, और ये कि डायनामिक टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जियो पॉलिटिक्स, नेशनल इश्यूज़, जो मतलब आ सकते हैं। और मोस्टली ऐसे क्वेश्चन करे जाते हैं जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं, तो आपको पूरे 4 दिन और रुकना पड़ता है, डे वन में ही ये जो टेस्ट होता है गाइस, पिक्चर प्रिपरेशन का टेस्ट होता है। ये देखिए, पिक्चर परसेप्शन का जो टेस्ट होता है गाइस, ये देखिए, पिक्चर परसेप्शन एंड डिसीजन टेस्ट जो होता है, PPNDT टेस्ट। तो इसमें मतलब मुझे ये बुक्स इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें क्लियर से, जो अब देखिए हम कोई भी एसएसबी, मोस्टली स्टूडेंट जा चुके होंगे एसएसबी के लिए, जो जाने वाले हैं फ्यूचर में, तो देखिए ये देखिए पिक्चर दिए, ऐसी हमें स्क्रीन दिखाई जाती है इस तरह की, बहुत ही ब्लर पिक होती है, जहाँ तक मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, मैं खुद एसएसबी की तैयारी कर रहा हूँ, तो देखिए पूरी स्टोरी में लिखी हुई है गाइस। तो मतलब ये बुक जो गाइड कर रही है, बहुत ही बेस्ट तरीके से गाइड कर रही है, और हर चीज़ में इसमें बताई गई है इस बुक में। और देखिए, यहाँ जितने हमारे सिलेक्शन सेंटर्स हैं, जितने भी हैं, ये देखिए 11 SSB, 12 SSB, 14 SSB, 17 SSB, मतलब किस किस जगह पे है, कहाँ कहाँ पे है। और फिर उसके बाद आता है हमारा एयरफोर्स का, आते हैं एयरफोर्स के, जैसे देहरादून में हो गया आपके सिलेक्शन सेंटर, सिलेक्शन बोर्ड मैसूर में हो गया, वाराणसी में हो गया, मतलब पूरे हर तरीके से आपको गाइड, बाकी सारी रैंक वगैरह हर चीज़ इस बुक में दी हुई है, जो कि एक आर्मी में जो हम तैयारी कर रहा है आर्म फोर्स की, उसमें मोस्टली हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एसएसबी के लिए बेस्ट बुक गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करने वाला हूँ, जायको बुक्स है, जायको पब्लिशन की बुक्स है, और यहाँ पे डॉक्टर एन के नटराजन है जो उसके राइटर हैं, जिन्होंने ये बुक लिखी है, सीडीआर रह चुके हैं ये तो। और हाँ गाइस, एक चीज़ और, अगर आप और अच्छे से एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं विद बुक और ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह, तो आपको मैं यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करना चाहूँगा। तो उस यूट्यूब चैनल का नाम है शॉर्ट अकेडमी, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल का नाम है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा उस चैनल का गाइस। उस चैनल में एक खासियत है, जो उस चैनल पर आपको गाइड करते हैं, वो खुद रिटायर्ड मेजर जनरल BBS वाकुनी जी हैं, और रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल रह चुके हैं वो उस यूट्यूब चैनल में आपको गाइड करते हैं, और किस तरीके से गाइड करते हैं, बहुत ही बेस्ट तरीका उनका समझाने का। आप अगर उनके ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं गाइस, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि उनका जो मोटिव रहता है कि बच्चे कहाँ कहाँ बाहर हो जाते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन सब चीज़ों में आप उस चैनल से बहुत अच्छे से शॉर्ट अकेडमी, उस चैनल का पूरा नाम है गाइस, मुझे रैंडमली अभी याद आ गया,
तो और सेकंड ये जो बुक है सबसे अच्छी यही बुक है, और ज़्यादा बुक्स में आप कन्फ्यूज हैं तो ये अगर आप ऑनलाइन देखते हैं ये आपके अमेजोन पे भी है या आपके फ्लिपकार्ट पे भी है, तो ज़्यादा आप कहीं भी कन्फ्यूज़ मत रहिए, यही बुक मंगाना आप जब आपको बुक चाहिए गाइस, सबसे बेस्ट बुक यही है जायको पब्लिशन की, कहीं और ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें जो गाइड किया गया गाइस स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखिए, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट और ये सारी पिक्चर परसेप्शन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगी, और देखिए जो भी डे वन से डे फाइव तक का रूटीन होता है, ग्रुप टेस्ट ग्रुप डिस्कशन और ये हर चीज़ में, और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मुझे खुद ले लीजिए एज एग्जांपल, तो आपको सबसे जो प्रिपरेशन करनी है आपको टोटल इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी बहुत हैवी होना चाहिए वो भी प्योर इंग्लिश, वहाँ पे आप हिंदी वर्ड बहुत कम ही यूज़ कर सकते हैं, आपको मोस्टली इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी बिकॉज क्योंकि जितने भी आपको देखते हैं कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इंडियन आर्मी में जा रहे हैं हम CDS से या नवल अकेडमी एयरफोर्स में जा रहे हैं NDA से जा रहे हैं, तो इंग्लिश क्यों ज़रूरी है गाइस, तो मैं आपको बता दूँ इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आर्मी का या आपके लिए नवल अकेडमी है आपके जो और ये हमारे एयरफोर्स हो गई, तो जितने भी इनके वर्क रहते हैं वो 99% इनके जो काम हैं गाइस वो इंग्लिश में ही होते हैं, इसीलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है SS में, बिल्कुल आप ये चीज़ फॉरगेट मत कीजिए, जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं इंग्लिश में करिए, इंग्लिश बहुत अच्छी कर लीजिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल, और आप डायरेक्ट SSB में जा रहे हैं NCC के थ्रू तो बहुत ही बेस्ट हो, जो CDS वगैरह निकाल के जाते हैं NDA वगैरह तो उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और आपको पिक्चर परसेप्शन जो उससे पहले भी नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग टेस्ट होते हैं आपके पे IQ फॉर्म भरा जाता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद सीखी हुई हैं इस बुक से सीखी हैं, और इसी बार से मैं SSB की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं आपको आज के इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करूं कौन सी है SSB के लिए, तो गाइस यही रहेगी बेस्ट बुक गाइस, और ये देखिए सारी मतलब आपके पूरे आर्म फोर्स आपके नवल अकेडमी आपके ये एयरफोर्स हर अकेडमी के हर तरीके से अच्छे से बिल्कुल यहाँ पे राइट करके इन्होंने अच्छे से गाइड किया हुआ है, बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं गाइस, जैसे कि मैं खुद इस बुक से बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूँ जो कि मुझे खुद नहीं पता थी, इतनी जनरल नॉलेज मेरी हाई हो चुकी है इस बुक को पढ़ के, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे कभी आती नहीं थी वो सीखा हुआ हूँ, सो गाइस यही रहेगी बेस्ट बुक, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही आपकी स्टडी से लेके हेल्प करता रहूँगा आपकी एजुकेशन में हर चीज़ में बेस्ट कॉलेज वगैरह, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपके एजुकेशन ब्लॉग्स के लिए और पब्लिक और जो ब्लॉगिंग होती है गाइस उन चीज़ों के लिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे आपको फिर ऐसी ही एक वीडियो में गाइड करते हुए, सो तब तक के लिए आप अपना रखिए ध्यान, थैंक यू गाइस।